आपने ये तो सुना ही होगा कि बाल शेव करने से और घने हो जाते हैं। और क्या आपको पता है अपेंडिक्स का यूज क्या होता है? नहीं ना, ये सब बातें हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जो कि विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ के हैं, यानी मिथ्स है। तो आज हम फैक्ट स्टार पर कुछ नया करने वाले हैं, जहां हम आपको बताएंगे बरसों से चले आ रहे मिथ्स और उनके फैक्ट्स के बारे में। और हाँ, इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टास्क है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। मिथ नंबर वन, सबसे पहला मिथ ये है कि हमारे आसपास ठंड पड़ने पर हम बीमार होते हैं या फिर हमें सर्दी हो जाती है, और ये बात हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। बट द एक्चुअल फैक्ट बिहाइंड दिस इज, हमें सर्दी सिर्फ वायरसेस की वजह से होती है। एयर टेम्परेचर और हमें सर्दी होने का कोई ताल्लुक नहीं है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आए, क्योंकि विंटर इज कमिंग। मिथ नंबर टू, जब कोई छींकता है तब हम उन्हें गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जब हम छींकते हैं तब हमारा हार्ट फॉर अ सेकंड स्टॉप हो जाता है। बट द एक्चुअल फैक्ट बिहाइंड दिस इज, हमारा हार्ट बस अपनी बीट रिदम चेंज करता है, कभी स्टॉप नहीं होता, क्योंकि अगर स्टॉप हुआ तो वेल यू नो। मिथ नंबर थ्री, आजकल की एड्स की वजह से हम सबको ये लगने लगा है कि सफेद दांत होना यानी हेल्दी टीथ, जिसके लिए मार्केट में कई प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, जो कि ये दावा करते हैं कि आपके टीथ पोल वाइट कर देंगे। लेकिन इसके पीछे फैक्ट ये है कि जो दांत स्लाइटली येलोइश होते हैं वो ही दांत सबसे ज्यादा हेल्दी माने जाते हैं, और ये प्रूव भी हो चुका है। मिथ नंबर फोर, हमें बचपन से स्कूल्स में भी ये सिखाया गया है कि हमें फाइव सेंसेस होते हैं, जो कि है साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल। लेकिन इस मिथ के पीछे फैक्ट ये है कि ये सेंसेस होते जरूर हैं, लेकिन ये सिर्फ पांच नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट ने ये दावा किया है कि हमारे बॉडी में 22 to 33 एक्टिव सेंसेस है, जैसे कि सेंस ऑफ मूवमेंट यानी किनेस्थेसिया, सेंस ऑफ पेन यानी नॉसिसेप्शन, सेंस ऑफ टेम्परेचर यानी थर्मोसेप्शन, और सेंस ऑफ बैलेंस यानी इक्विलिब्रियोसेप्शन। मिथ नंबर फाइव, ये मिथ तो दुनिया भर में फेमस है कि अगर हम च्युइंगम को निगल ले तो वो 7 साल तक हमारी बॉडी में फंसा रहेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस साल च्युइंगम को निगला है तो वो सीधा 2027 में बाहर निकलेगा? जी नहीं। द एक्चुअल फैक्ट बिहाइंड दिस इज, हमारी बॉडी एक कॉइन के साइज तक की चीज को पास आउट कर सकती है, और च्युइंगम इतना तो बड़ा नहीं होता है। इसे आपकी बॉडी से पास होने में मैक्सिमम 2 दिन लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर हमारे कोई व्यूअर ने गलती से च्युइंगम निगल लिया हो तो टेंशन नॉट। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे हर बार निगल लो, क्योंकि च्युइंगम सिंथेटिक रबर से बना होता है। अगर ज्यादा मात्रा में निगल लोगे तो ये कॉइन साइज से भी बड़ा हो जाएगा, और फिर पता नहीं कब बाहर आएगा। मिथ नंबर सिक्स, आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर कोई फूड जमीन पर गिरने के 5 सेकंड पहले हम उसे उठा ले तो उसमें बैक्टीरिया नहीं लगता, जो कि कई लोग फॉलो करते हैं। क्या हमें ऐसे करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे फैक्ट ये है कि कोई भी फूड जमीन पे गिरने के मिलीसेकंड्स में ही कंटामिनेट यानी खराब हो जाता है, क्योंकि लाखों बैक्टीरिया उसमें झट से चिपक जाते हैं। इतना ही नहीं, कई टेस्ट में ये भी साबित हुआ है कि मॉइस्ट फूड ज्यादा बैक्टीरिया को खींच लेता है, और गिरे हुए फूड का कोई कंटामिनेशन ड्यूरेशन नहीं है, बल्कि फूड जहाँ गिरा है वो सरफेस कितना क्लीन है इसके ऊपर फूड का खराब होना डिपेंड होता है। मिथ नंबर सेवन, हमें बचपन से ही ये सिखाया है कि टीवी ज्यादा नजदीक से मत देखो या फिर फोन को ज्यादा मत देखो, आंखें खराब हो जाएगी। मैं तो हर रोज सुनती हूँ, लेकिन क्या सच में आंखें खराब होती है? एक्चुअल फैक्ट ये है कि ज्यादा टाइम स्क्रीन देखने से हमारी आंखें टेम्पररी यानी थोड़े समय के लिए डैमेज होती है, जैसे कि आंखें भारी होना, डार्क सर्कल्स या फिर आंखें सूज जाना, लेकिन हमें इससे कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है। मिथ नंबर एट, हमने अक्सर ये बात सुनी है कि अगर हम हमारे बाल शेव करेंगे तो हमें और घने बाल आ जाएंगे, इसलिए कई लोग अपने हाथ या पैर शेव नहीं करते। लेकिन फैक्ट ये है कि इस बात का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। शेव करने के बाद के बाल थोड़े अलग जरूर दिखते हैं, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर शेविंग की वजह से थोड़े रफ हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी घने नहीं होते। बाल दरअसल आपकी हेयर रूट्स, हेयर फॉलिकल से बनते हैं, और शेव करने पर वही फॉलिकल्स दोबारा ग्रो हो जाती हैं। दैट्स इट। मिथ नंबर 9, हम सबकी बॉडी में एक पार्ट होता है,
अपेंडिक्स, जो कि हमारे पेट के निचले हिस्से में होता है। ये पार्ट हमारे एंसेस्टर्स की बॉडी में भी था। ऐसे माना जाता है कि अपेंडिक्स का कोई भी यूज नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बिना कोई काम किए हमारी बॉडी में पड़ा रहता है, जैसे कि कई लोग लॉकडाउन के टाइम पे पड़े रहते थे, बिल्कुल वैसे। जस्ट किडिंग, बट ऐसा नहीं है। लेकिन इसके पीछे फैक्ट ये है कि रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जहां अपेंडिक्स को दोबारा परखा गया था, और इस स्टडी में ये पता चला है कि अपेंडिक्स इज अ सोर्स ऑफ गुड बैक्टीरिया, जो कि हमारी बॉडी को अंदर से हेल्दी रखते हैं। अगर कभी हमें डायरिया हो जाए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वापस ठीक करने के लिए अपेंडिक्स काफी हेल्पफुल होता है। तो अब आपको ये मिथ्स क्लियर हो चुके हैं। बट वेट, जैसे कि मैंने कहा था, आपके लिए एक टास्क है। अगर आप भी ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग मिथ्स और उसके पीछे का फैक्ट जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना। हमारे अगले मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स के वीडियो में हम उन कमेंट से बेस्ट 3 मिथ्स और उनके फैक्ट्स को शाउट आउट देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।